A very good morning to all my dear HS first year students. Welcome to Logic and Philosophy online classes once again. हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किया था एक नया चैप्टर दैट इज टर्म, जिसमें मैंने आप लोगों को समझाया था व्हाट इज अ टर्म. ओके, बिफोर प्रोसीडिंग टू टुडेज क्लास मैं फिर से एक बार समझा देती हूँ फॉर योर रिवीजन दैट व्हाट इज अ टर्म. वेल, द वर्ड टर्म इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड टर्मिनस. आई थिंक आप सबको याद होगा, राइट? जो टर्म है ये डिराइव किया गया है एक लैटिन वर्ड टर्मिनस से. टर्मिनस का मतलब है बाउंड्री, बाउंड्री का मतलब है एजेस और साइड्स. ओके, नाउ इफ वी डिफाइन टर्म, अगर हम लोग टर्म को डिफाइन करें, हाउ यू विल डिफाइन अ टर्म इज अ वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कैन बी यूज्ड एज द सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ऑफ द गिवन प्रपोजिशन. जो टर्म है वो एक वर्ड भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, जो हम लोग एज अ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ऑफ अ गिवन प्रपोजिशन यूज करते हैं. ठीक है, नाउ व्हाट इज अ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज अबाउट विच वी टॉक. ओके, एंड प्रेडिकेट इज द प्रॉपर्टी और द क्वालिटी ऑफ दैट सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, रोजी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. यहाँ पे रोजी इज द सब्जेक्ट, क्योंकि रोजी के बारे में बात किया जा रहा है. एंड इंटेलिजेंट गर्ल इज द प्रेडिकेट, क्योंकि इंटेलिजेंट गर्ल जो है वो एक प्रॉपर्टी या फिर क्वालिटी है रोजी का. ठीक है, क्लियर? नाउ लेट अस स्टार्ट विद टुडेज क्लास. आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है द डिफरेंस बिटवीन वर्ड एंड टर्म. टर्म और वर्ड के बीच में क्या डिफरेंस है? ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट. अ वर्ड इज अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स कन्वेइंग सम मीनिंग. फॉर एग्जाम्पल, बुक, टेबल, हॉर्स, एक्सेट्रा. ऑन द अदर साइड, टर्म. अ टर्म इज अ वर्ड or group of words which is used as the subject or predicate of a proposition. ठीक है, so what is the first difference? The first difference is that ये word जो है ये एक letter भी हो सकता है या फिर group of letter भी हो सकता है जो एक meaning समझाता है, which conveys some meaning. Okay, so a word is, word may be one letter or a group of letter which conveys some meaning, like chair, table, house, horse, cat, dog. All these are words because they are combination of letters and they have some meaning. ठीक है, clear? Now what is a term? A term is a word or a group of word which can be used as the subject or the predicate of the given proposition. ठीक है, clear? First point is clear. Word जो है वो एक letter हो सकता है या फिर group of letter हो सकता है जो एक meaning समझाता हो, और term जो है वो एक word होना चाहिए that can be used जो subject या फिर predicate की तरह use हो. Okay? For example, अगर मैं बोलूँ if, ओके, इफ या फिर ऑफ या फिर एज या फिर अस, ये सब वर्ड्स है पर ये सब टर्म नहीं हो सकता, क्योंकि इफ कैनॉट बी अ सब्जेक्ट, नाइदर प्रेडिकेट. ठीक है, ऑफ सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, प्रेडिकेट नहीं हो सकता है, पर ऑफ इज अ वर्ड. क्लियर फर्स्ट पॉइंट? सो लेट अस गो टू द सेकेंड पॉइंट. एवरी टर्म इज अ वर्ड. Every term is a word. Every word is not term. Every word is not term. Okay? Every term is a word. जो भी term हम लोग use करते हैं वो सारे words होते हैं. Okay? All the terms are words. But all the words are not terms. ठीक है, क्योंकि ऑल द वर्ड्स कैनॉट बी यूज्ड एज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. जैसे अभी मैंने आप लोगों को समझाया,
if, then, and, the, of, as, ये सब जो वर्ड्स है, ये सब वर्ड्स है, पर ये सब टर्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब वर्ड्स हम लोग सब्जेक्ट या फिर प्रेडिकेट की तरह यूज नहीं कर सकते, राइट? इफ के बारे में हम लोग क्या बोले, ओके? इफ हैज मीनिंग जब वो किसी सेंटेंस के साथ जुड़ता है तभी मीनिंग होता है इफ का, अदरवाइज इफ का कोई मीनिंग नहीं होता. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई विल कम इफ इट विल नॉट रेन. सो ये जो इफ है एक सेंटेंस के साथ जुड़ने के बाद मीनिंग होता है, पर्सनली कोई मीनिंग इफ का नहीं होता है, राइट? इसीलिए एवरी टर्म इज अ वर्ड बट एवरी वर्ड इज नॉट अ टर्म. ठीक है, क्लियर? नाउ ये जो वर्ड है ये दो तरह का होता है. एक है कैटेगरीमैटिक वर्ड, सी कैटेगरीमैटिक वर्ड, और एक है सिन कैटेगरीमैटिक वर्ड. कैटेगरीमैटिक वर्ड वो वर्ड्स है जो एज अ टर्म यूज किया जा सकता है, जैसे टेबल, चेयर, हाउस, जॉन, वॉल, ये सब कैटेगरीमैटिक वर्ड्स है, क्योंकि इट कैन बी यूज एज द सब्जेक्ट और द प्रेडिकेट. बट सिन कैटेगरीमैटिक वर्ड्स जो है वो एज अ टर्म यूज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उन सब वर्ड्स को सपोर्ट चाहिए, लाइक एंड, इफ, इज, ऑफ, एज, ये सब सिन कैटेगरीमैटिक है, क्योंकि इन लोगों को तभी मीनिंग मिलता है जब वो किसी सेंटेंस के साथ जुड़ते हैं. ठीक है, क्लियर? सेकेंड पॉइंट इज क्लियर. एवरी टर्म इज अ वर्ड बट एवरी वर्ड इज नॉट अ टर्म. ठीक है, लेट अस गो टू द थर्ड पॉइंट. Words are parts of any type of sentence. For example, declarative, interrogative, exclamatory, etc. But terms are elements of declarative sentence only. Now let us come to the third point. Words can be a part of any kind of sentence. डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो एक स्ट्रॉन्ग इमोशन को बताता है. ओके, सो वर्ड जो है वो किसी तरह के सेंटेंस भी हो सकता है, लाइक हु आर यू, व्हाट इज योर नेम, द डे इज, द सिटी इज सो ब्यूटिफुल. ओके, ये सब वर्ड्स है, क्योंकि वर्ड्स किसी भी तरह के सेंटेंस में फिट हो जाता है या फिर किसी भी तरह के सेंटेंस में यूज होता है. बट जो टर्म है वो सिर्फ डिक्लेरेटिव सेंटेंस का पार्ट है. टर्म हम लोग क्वेश्चन करने में यूज नहीं कर सकते. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं होता है. टर्म हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब जिसमें हम लोग अपने इमोशन दिखाते हैं, लाइक द सिटी इज वेरी ब्यूटिफुल, इट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसमें यूज नहीं होता है. सो टर्म सिर्फ डिक्लेरेटिव सेंटेंस में यूज होता है जिसमें हम लोग इंफॉर्मेशन देते हैं. ठीक है, लाइक मैन इज मॉर्टल, इट इज एन इंफॉर्मेशन. ऑल क्रोज आर ब्लैक, इट इज एन इंफॉर्मेशन. ऑल स्नेक्स क्रॉल, इट इज एन इंफॉर्मेशन. सो ये सब डिक्लेरेटिव सेंटेंस में ही टर्म यूज होता है. बट जो वर्ड है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस में भी यूज हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी यूज हो सकता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी यूज हो सकता है. ठीक है, क्लियर द थर्ड पॉइंट. नाउ लेट अस गो टू द लास्ट एंड द फोर्थ पॉइंट. वर्ड्स एक्सप्रेस थॉट्स, फीलिंग्स, विशेस, रिक्वेस्ट, कमांड्स. Terms express only thoughts. Now the fourth point is that जो word है वो express करता है thoughts, feelings, wishes, request, commands, means almost everything can be expressed with words. But जो term है वो सिर्फ express करता है thoughts. ठीक है, clear? वर्ड से हम लोग कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, हमारी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, हमारी विश एक्सप्रेस कर सकते हैं, कमांड कर सकते हैं किसी को, ए कम हियर, सिट देयर, रीड द बुक, कमांड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स. बट टर्म एक्सप्रेस
only thoughts. Okay, like all men are mortal is a thought. So term express only thought, because term is related to logic. Okay, and logic is the theory of thought. Logic is the theory of thinking. ठीक है, क्लियर? वेरी सिंपल फोर पॉइंट्स. सो सबसे पहला पॉइंट है, अ वर्ड इज अ वर्ड मे बी अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर दैट कन्वेज सम मीनिंग. ऑन द अदर हैंड, अ टर्म इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच कैन बी यूज एज द सब्जेक्ट और द प्रेडिकेट ऑफ द गिवन प्रोपोजिशन. दूसरा पॉइंट, एवरी टर्म इज अ वर्ड बट एवरी वर्ड इज नॉट अ टर्म. ओके, देर आर टू काइंड ऑफ वर्ड, कैटेगरी मैटिक्स, इन कैटेगरी मैटिक. कैटेगरी मैटिक वर्ड्स लाइक टेबल, चेयर, हाउस, जॉन, रोजी, ऑल दीज आर कैटेगरी मैटिक वर्ड्स दैट कैन बी यूज एज सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ऑफ द गिवन प्रपोजिशन. सिन कैटेगरी मैटिक वर्ड्स आर इफ, देन, एंड, इज, एज, ऑल दीज आर सिन कैटेगरी मैटिक वर्ड विच कैनॉट बी यूज एज टर्म. फिर से एक बार, सेकेंड पॉइंट, All terms can be used as words. सारे terms words होते हैं, but all words are not terms. If then terms नहीं है, okay? Only जो words as a subject predicate use होता है, only they are the terms. ठीक है, clear second point? Now the third point, words can be used in any kind of sentence, declarative sentence, interrogative sentence. Then exclamatory sentence, किसी भी sentence में word use होता है, but term can be used only in declarative sentence. Declarative sentence क्या है? जो हम लोगों को information देता हो, that is declarative sentence. Now the fourth point, जो words है, with the help of words we can express our thought, emotion, feeling, request, commands, etc. But जो टर्म्स है, विद द हेल्प ऑफ टर्म्स वी कैन एक्सप्रेस ओनली आवर थॉट्स. ठीक है, क्लियर? आई होप द डिस्टिंक्शन बिटवीन वर्ड्स एंड टर्म्स आर क्लियर टू यू. अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, इन द कॉमेंट बॉक्स यू कैन कमेंट योर क्वेश्चन, राइट योर क्वेश्चन, मैं आप लोगों को फिर से समझाऊंगी. ओके, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू.